गाड़ी कुछ लेट मालूम होती है जी। जी हाँ, पूरे एक घंटा। मेरे साहब ने भी पूछा है मास्टर से। आपके भी साहब है जी? आप तो कुछ साहब लगते हैं जी। मूंगफली खाइए जी। शुक्रिया। आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं जी? मैं नहीं जा रहा, मेरे साहब जा रहे हैं। मैं उन्हें गाड़ी पर सवार कराना है। क्यों, आपके साहब क्या बच्चा है? जी नहीं, बड़े घरानों के लड़के अक्सर लापरवाह होते हैं, और फिर हमारे साहब तो मालकिन के अकलौते बेटे हैं। मुझे हर तरह से उनकी खबरगिरी रखनी पड़ती है। फिर 20,000 की रकम साथ है बैग में। 20,000? हाँ, जब तक उनको गाड़ी में बिठाना लूँ मुझे तसल्ली ना होगी। क्यों नहीं, रहते कहाँ हैं आप? जी बड़े बाजार में मोती भवन है ना, ज्योति भवन के साथ, वहाँ। कहाँ तक जा रहे हैं आपके साथ? गिरजापुर। मैं भी वही जा रही हूँ। फर्स्ट क्लास में सफर करेंगे ना आपके साथ? और क्या, थर्ड क्लास में? आपने देखा नहीं मेरे साहब को, वो तो अंग्रेज लगते हैं अंग्रेज। मैंने देखा है आपके साहब को आपके साथ वेटिंग रूम में जाते हुए, इसलिए मैं उनके बारे में पूछने के लिए आपके पास आ बैठी। जी बैठिए ना, अभी तो आपने मेरे साहब के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। बहुत कुछ जान लिया है मैंने, बाकी मैं गाड़ी में पूछ लूंगी। राह सीधी तो बता दी खिद्र ने, ऊंट का लेकिन किराया कौन दे? ये लो किराया भी लो, जाओ। आप भी चलिए ना। मैं इस 20,000 के लिए बनारसी प्रसाद इन छोटी मोटी आसामियों के साथ खेलना पसंद नहीं करता। ये तुम चेले चांटों का काम है, जाओ। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। देर मत करो। जवान होते ही वो तो और ही कुछ हो गए है दिल, कहां की पाकबाजी, हम भी अब नियत बदलते हैं। खामोश तबीयत नजर आती है। जैसा माहौल होता है वैसे ढल जाती है मेरी तबीयत। क्या मतलब? मैंने हिंदुस्तानी में बात की, आप नहीं समझते ये जुबान? समझते हैं लेकिन शायरी नहीं समझते, और आप बात करते हैं शायरी में। आप समझते हैं शायरी? जी हाँ। तो फिर इन्हें समझा दीजिए। अच्छी बात। इनका मतलब ये है कि जिंदा दिलों की महफिल में जिंदा दिल और मुद्दा दिलों की मजलिस में खामोश हो जाए। इसके अलावा शरीफों में शरीफ और गुंडों में गुंडा भी बन जाता हूँ। एक ही शख्स में इतनी शख्सियतें भी हो सकती हैं। कह रहे हैं तो जरूर होंगी। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ इस वक्त आप में कौन सी शख्सियत है? खामोशी पसंद। इसका मतलब हुआ आप इस वक्त मुर्दा दिलों की मजलिस में बैठे हुए हैं। देखा माला, शायर साहब अपनी नाजुक शायरी से हम तीनों पे मुर्दा दिली का इल्जाम लगा रहे हैं। उठो माला, अपने नगमों से इस मुर्दा दिलों की मजलिस को जिंदा दिलों की महफिल में बदलो। देखे तो सही अपने शायर साहब की तबीयत जिंदा दिली में कैसे ढलती। मोहब्बत में जो पहले थी वो तासीर नहीं, अब मोहब्बत में जो पहले थी वो तासीर नहीं, अब वो शीरी नहीं लैला नहीं वो हीर नहीं, अब वो शीरी नहीं अब वो लैला नहीं, अब वो शीरी नहीं लैला नहीं वो हीर नहीं।
अब मोहब्बत में जो पहले थी वो तासीर नहीं, अब वो शीरी नहीं, लैला नहीं वो हीर नहीं। साथ मरने की तड़प अब कहाँ हसीनों में, यार झूठी है चमक हुस्न के नगीनों में। प्यार दौलत से ये करते हैं इन्हें प्यार नहीं, अब हमें इनकी वफाओं का एतबार नहीं। अब वो शीरी नहीं, अब वो लैला नहीं, अब वो शीरी नहीं, लैला नहीं वो हीर नहीं। अब मोहब्बत में जो पहले थी वो तासीर नहीं, अब वो शीरी नहीं, लैला नहीं वो हीर नहीं। ना इन्हें पासे मोहब्बत ना इन्हें पासे वफा, इनका पेशा है सितम इनका शेवा है जफा। प्यार कहती है ये दुनिया जिसे वो प्यार नहीं, किसको दिल देके यहाँ कोई भी दिलदार नहीं। अब वो शीरी नहीं, अब वो लैला नहीं, अब वो शीरी नहीं, लैला नहीं वो हीर नहीं। अब मोहब्बत में जो पहले थी वो तासीर नहीं, अब वो शीरी नहीं, लैला नहीं वो हीर नहीं। ये हंसी धोके सनम बन के दिया करते हैं, इश्क की खाके कसम लूट लिया करते हैं। फिर भी कहते हैं ये हमसे के वफादार नहीं, फिर भी रोते हैं कोई इनका भी दिलदार नहीं। अब वो शीरी नहीं, अब वो लैला नहीं, अब वो शीरी नहीं, लैला नहीं वो हीर नहीं। अब मोहब्बत में जो पहले थी वो तासीर नहीं, अब वो चीरी नहीं, लैला नहीं वो हीर नहीं। आप बहुत दिलचस्प इंसान मालूम होते हैं। आप जैसा खामोशी पसंद आदमी इतना जिंदा दिल भी हो सकता है? तारजो आपकी तबीयत के दो रुख तो देख लिए हमने। ये सफर बहुत मुख्तसर है, मौका नहीं मिलेगा, वरना बाकी के रुख भी दिखा देते। अभी तो रात पड़ी है साहिब, गाड़ी तो कल सुबह पहुंचेगी गिरजापुर। मैं तैयार हूँ, आप शुरू कीजिए गुंडागर्दी। अजी हम तो शरीफ लोग हैं, गुंडे नहीं बन सकते। कोशिश तो कीजिए। जी नहीं। अच्छी बात, तो शरीफों की तरह आराम की। आप अपना बिस्तर विस्तर साथ में नहीं लाए? जी नहीं। क्यों? इसलिए कि नरम नरम बिस्तर पर आराम से सो ना जाऊं। तो क्या आप रात भर जागते रहेंगे? जी हाँ, इस बैग की हिफाजत के लिए। जी आप मजे से सोइए साहिब, हम तीनों जागते रहेंगे, इस बैग को कोई नहीं छेड़ेगा। जी नहीं, एक के लिए तीन क्यों बेआराम हूँ। आप लोग सोइए, मुझे वैसे भी सफर में नींद नहीं आती। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्हें शक है हम पर, कि कहीं हम इनका बैग ना उड़ा ले। इसलिए जागना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है आप तीनों को मुझ पर शक है, कहीं मैं आपका सामान ना उड़ा लूं, इसीलिए आप सोना नहीं चाहते। लीजिए चोर की दाढ़ी में तिनका। ये मिसाल तो गलत है, चोर पर मोर कहें तो बजा है। अच्छा साहब आप जागिए, हम सोते हैं। मैं जरा लाइट ऑफ करूं।